जम्मू में आए एंड भाई से ना मिले आए तो हो ही नहीं सकता। हमारे पास गामोसा नहीं है, हमारे पास हम जम्मू वाले हैं, हमारे पास फूल रहा अंदर मैं सोचा ही नहीं था कि मैं जम्मू आ जाऊंगा। ठीक है गाइस, यार ये देख सकते हो आमिर भाई का नया बाइक। एंड ओ भाई साहब देखो यार, पहाड़ भाई बहुत डेंजर लग रहा है मेरे को, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई यार ये टनल कितना बड़ा है भाई, अब लोगों को क्या बताऊं, खत्म ही नहीं हो रहा इतना बड़ा टनल। गाइस यार मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। गाइस यार दिस इज कश्मीर भाई, अपना टनल लेके हम लोग लद्दाख जा रहे हैं भाई, बारिश में भीगते हुए पहाड़ों के बीच में। ओ भाई क्या फील आ रहा है। ठीक है तो गाइस यार अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं शिकारा में। यार यार क्या हो सब व्यू है यार, ऑसम। गांड फटे तो फटे, नवा भी ना घटे। ऐसा है कि डूबने का भी डर है बट मजा भी लेना है। पहली बार तेनु शो दे बहाने होर वी दीवाने तेरे पीछे जग तो बे। अरे आली बाबा अब खोल, चलो उधर मेरा टोपी दो। ए जाओ उधर, अरे टोपी दो, चलो उधर चले। বড় হিলতে না করছি কিন্তু হিলো না কিন্তু আমি কিন্তু খিস্তি খিস্তি বেরোবো কিন্তু বলে দিচ্ছি। আবে ভাই 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 নোড়ো না। तो हेलो गाइज यार कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ले लद्दाख सीरीज। एंड गाइज यार कल हम लोग थे वैरागर में एंड हम लोग यार कल सचपास किए। हम लोगों ने तो देख ही लिया होगा लास्ट एपिसोड में सचपास हम लोग कैसे किए। टोटल तबाही राइड हुआ, टोटल एडवेंचर था भाई। मैं कभी सोचा नहीं था कि अपना ZX ट्रेनर अपना टोक्यो को लेकर मैं कभी ऐसा भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में चलाऊंगा, राइड करूंगा भाई। ठीक है टू बी ऑनेस्ट भाई, इतना ठंडा था, इतना ठंडा था फटके चार हो गया था। एंड आप लोगों ने देखा कि कितना बार बाइक भी गिरा। एनीवेज गाइस बहुत मजा आया, अलग सा एक्सपीरियंस किए हम लोग। एंड गाइस ये सब राइड के दौरान ना मेरा जो राइडिंग के लिए वो भी थोड़ा थोड़ा करके लेवल अप हो रहा है। एनीवेज गाइस आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से श्रीनगर तक। कल हम लोग ये वाले होटल रूम पे थे भाई। ठीक है लुक एट दिस होटल रूम भाई, कितना प्यारा है ना। यहाँ से ही भाई देखो कितना सुंदर व्यू दिख रहा है बालकनी से, है ना भाई। एंड वेदर भी देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। एंड अभी गाइस यार मेरे सारे दोस्त लोग निकल गए क्योंकि यार मैं ना एडिट विडिट करके अपलोड कर रहा था वीडियो। एंड वो लोग थोड़ा सा आगे जाके रुके हैं 40-50 किलोमीटर दूर, तो मैं अभी फटाफट से अपना सामान वगैरह बांधता हूँ बैग पे एंड उसके बाद फटाफट से निकलता हूँ। तो गाइस यार ऑल सेट फॉर द श्रीनगर राइड एंड हम लोगों ने बैग पैक वगैरह बांध दिया अच्छे से बंजी गॉर्ड से। एंड गाइस यार अभी निकलते हैं। एंड कल हम लोग थे ये वाले होटल पे, होटल मन्नत। एंड ये आप लोगों को मिलेगा सचपास से कुछ 30 किलोमीटर पहले जहाँ पे पुलिस का चेक लगा है, से बस थोड़ा ही 1 किलोमीटर पहले है वैरागर में। तो एनीवे गाइस अभी फटाफट से निकलते, मौसम भी थोड़ा सा खराब हो रहा है तो या चलो भाई बहुत दूर जाना है। ओके गाइस अभी हम लोग निकल पड़े हैं श्रीनगर के लिए। श्रीनगर यहाँ से कुछ लगभग 550 किलोमीटर है। मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग उतना दूर तक जा पाएंगे, अगर नहीं भी जा पाए तो हम लोग रात को 10 बजे तक जितना भी होगा कवर करके होटल वगैरह लेके स्टे कर देंगे। सब कुछ डिपेंड करता है भाई वेदर कंडीशन के ऊपर। क्या लग रहा है गाइस यहाँ पे देखो बस भाई कितना सारा शिप है, ओ माय गॉड। गाइस 2:15 को अपना वीडियो लाइव हुआ है एंड यहाँ पे देख सकते हो स्टोरीज वगैरह पूरा फुल हो चुका है। तो गाइस जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना तो स्टोरीज वगैरह इंस्टाग्राम में फ्लड हो जाता है। जिसने सबसे पहले मेंशन किया है उसका स्टोरी मैं रिपोस्ट कर दूंगा। आप रे उधर में देख सकते हो पूरा काला बादल छाया हुआ है। फटाफट से निकलते हैं भाई। यार पता नहीं मैं सचपास में फिर से कब आऊँगा बट आई एम गोना मिस दिस प्लेस मैन। अगर किसी को एडवेंचर करना है, किसी को अगर ऑफ रोडिंग करना है भाई आ जाओ सच पास करके जाओ। ओ बाप रे रोड्स का तो मैंने भूल ही किया था रोड ऐसा है। तो गाइस यार हम लोग ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं एंड आगे जाहिर भाई लोग हैं ऑलमोस्ट मेरे से 50 किलोमीटर आगे। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है पता है। यहाँ पे ना रास्ता वगैरह बहुत ही अच्छा है, इसी वजह से 50-60 किलोमीटर पर आवर पे आराम से चला रहे भाई। तो ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला पठानकोट जाने के लिए बहुत इजी पड़ता है। क्या नज़ारा है यार फ्रंट पे, सामने क्या नज़ारा है। ये तो कोई रिवर है नहीं तो फिर डैम है।
जो भी है बहुत खूबसूरत है भाई। जितना मुझे सुनाई दिया कि ये है छंगू लेक एंड मैं सोच रहा था कि ये कोई डैम है, बट ये एक लेक है भाई। बट यार बहुत बड़ा है यार लेक। वाओ क्या खूबसूरत जगह है यार, दिल खुश हो गया भाई टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे देख सकते हो पूरा स्पीड बोट चल रहा है, दो स्पीड बोट चल रहा है यहाँ पे, बट कितना ऑसम है यार ये प्लेस। ये वाला रूट को एक्सप्लोर करने के बाद ना भाई दिल खुश हो गया। तो एक दो पिक्चर क्लिक करते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं भाई। भाई पठानकोट किधर जर इधर से कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। ओके ओके यार, बाकी भाई लोग सब मेरे से 5-6 किलोमीटर दूरी पे ही है, पकड़ ही लूंगा भाई उन लोगों को। भाई टेनार है मेरे पास, कितना ही आगे जाएगा। तो गाइस फाइनली मिल गया हमारे भाई लोग, बोला था पकड़ लूंगा, पकड़ ही लिया। तो सारे के सारे यहीं पे है, हमें हाई टेस्ट में भेड़ी थी, फुल टेने जी लागचे ना यार। हम लोग अभी निकल रहे हैं एंड अभी मैं चलाने वाला हूँ अर्णव भैया का हिली, जो कि है एक वर्सी 650 एंड पिंटू भाई अपना टेना चला रहा है। एडवेंचर बाइक पे बैठ के भाई साहब नेक्स्ट लेवल फील हो रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल फील हो रहा है। एंड भाई ये पठानकोट वाला रास्ता कितना सुंदर है भाई, भाई साहब यार व्यू देखो बस भाई। ओ एंड मैं स्टैंडिंग होके चला रहा हूँ, अलग ही मजा है भाई, टूरिंग बाइक का अलग ही मजा है। आप लोग बताओ भाई कि मैं क्या ले लूँ, टाइगर ले लूँ या GS ले लूँ, बताओ। तो गाइस यहाँ पे मिल गया आमिर भाई भाड़ना पे। गाइस सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं जम्मू सिद्रा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पिट स्टॉप। तो गाइस यार ये हम लोग आ गए, अबे साला मरने के बाद बता रहा हूँ माला वाला पहना दिया, ठीक है, भगवान लग रहा हूँ भाई। मैं सोचा ही नहीं था कि मैं जम्मू आ जाऊंगा, ठीक है, एक दो महीने के अंदर में। भाई यार इतना नींद आ रहा है ना भाई, क्या बताऊं तुझे। खाना वाना खिलाते हैं भाई आराम से। भाई मेरे को ये मेरा भाई है बड़ा भाई। अच्छा हाय ब्रो, क्या नाम है? इसका नाम है सौरभ, यही इसी का है। अच्छा 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 भाई, वो रहा था उतावला भाई। अगर सर्विस है ना सब हो जाएगा। सही है भाई। तो गाइस यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं जम्मू में एंड जम्मू में आए एंड भाई से ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मिलने वाला नहीं था, चोरी चोरी भाग रहा है। ऐसा नहीं है, प्लान में कुछ चेंजेस आया था तो इसीलिए इसको इन्फॉर्म नहीं किया, बट इंस्टाग्राम में स्टोरीज देख के भाई ने कॉन्टेक्ट किया। इतने टाइम से बोल रहा था ना भाई पिट स्टॉप जहाँ तो रुकता है, और आज भाई पिट स्टॉप। एग्जैक्टली एंड साथ में इसके भाई भी मिल गया, देख रहे हो भाई एकदम। नया बाइक लिया है कहाँ पे गाइस यार ये देख सकते हो आमिर भाई का RC390 एंड इसको थोड़ा सा ऑन करके दिखाते हैं। इसका कंसोल मैंने भी नहीं दिखा है। ओ भाई खतरनाक भाई, एनिमेशन तो बहुत अच्छा था। अभी गाइस कल सुबह को हम लोग चलाएंगे ये वाला RC390। गाइस यार आज हम लोग ये वाले होटल पे रुक रहे, होटल गुलमार्ग एंड क्या गाइस चलो अंदर में चलते तो रिफ्रेश होते हैं, बात करते हैं। ओके ओके आजा आजा आजा।
seem human in my fear. Seems like my romance can be blowing like the windstorm that keeps my heart on. You seem so underrated in this game, no god. ਯਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਵਾਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 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 ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਤੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗਾ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ ਇੱਕ ਐਪ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ 1win ਐਂਡ ਇਸੇ ਆਪ ਲੋਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਤੇ ਹੋ ਸੋ ਗਾਇਸ ਅਭੀ ਫੋਨ ਮੇ ਚਲਤੇ ਐਂਡ ਯਹਾਂ ਪਰ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪ ਲੋਗੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਦੋ ਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦੋ ਬੇਟ ਕਰ ਦਿਏ ਐਂਡ ਇਸਮੇ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਪਿਕ ਕਰੇਂਗੇ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਪ ਲੋਗ ਜੀਤ ਸਕਤੇ ਹੈ ਔਰ ਗਾਇਸ ਅਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਵਧਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਵਧਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵਧਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀਅਰ ਜਿਤਨਾ ਬੜੇਗਾ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਸੋ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ ਯੈਸ 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 ਓ ਯੈਸ ਗਾਇਸ ਸੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੇ ਜੀਤ ਲਿਆ ਹੈ 5280 ਰੁਪੀਸ ਐਂਡ ਗਾਇਸ ਅਰ ਹਮਾਰਾ ਸੈਕੰਡ ਬੇਟ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੋ ਦੇਖਤੇ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ तो ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है ओ यस गाइस मैंने जीत लिया 10,780 रुपए वो गाइस इट्स सो अमेजिंग मैन और इतना ही नहीं गाइस जीते हुए पैसे को आप लोग इजीली विथड्रॉ कर सकते हो नेट बैंकिंग यूपीआई और पेटीएम के थ्रू सीधा अपने बैंक अकाउंट पे तो गाइस देर किस बात की जाओ जाके आज ही डाउनलोड करो वन व्हील एप्लीकेशन को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड गेम का नाम है द लकी जेट एंड अगर आप लोग मेरे प्रोमो कोड को यूज करते हो एंड मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को वन विन की तरफ से 25,000 रुपए मिलेगा अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे तो गाइस सर यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है एंड यस गाइस जो अमाउंट आपने विथड्रॉ किया था वो अपने बैंक अकाउंट पे आ चुका है तो गाइस देर किस बात की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जाके आज ही डाउनलोड करो रजिस्टर करो एंड गेम खेल के खूब सारे पैसे कमाओ The next day. Okay guys, अभी सुबह के कुछ बज रहे हैं 8:30 एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं जम्मू से एंड भाई यार ड्रिजलिंग हो रहा है ठीक है थोड़ा थोड़ा बारिश भी गिर रहा है एंड आज हम लोग जाने वाले हैं श्रीनगर डल लेक में मैं सोच रहा हूँ भाई बारिश में पूरा भीग ना जाऊँ भीग जाऊँगा तो भाई सीन हो जाएगा बहुत आमिर भाई से तो मुलाकात नहीं हुआ क्योंकि आमिर भाई अभी सो रहे हैं रात को हम लोग थोड़ा सा पार्टी वार्टी की है तो 6 बजे आमिर भाई घर पर गया एंड बारिश भी हो रहा है फ़ोन कर रहा था उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है तो चलो गाइस यार चलते टूवर्ड श्रीनगर गाइस यार यहाँ से श्रीनगर कुछ है 259 किलोमीटर बाप रे बाप 250 किलोमीटर है भाई यार जम्मू सिटी कितना खूबसूरत है यार जस्ट लुक एट दिस व्यू भाई कितना खूबसूरत है यार बारिश अगर नहीं होता ना भाई क्या मज़ा आता भाई गाइस अभी हम लोग एक टनल के अंदर में घुस रहे एंड आवाज़ सुनो भाई यहाँ पे यार ये टनल के बाद और एक टनल है ओ भाई साहब मौसम यार बाड़ी से बच गया थोड़ा सा क्या गर्मी है यार टनल के अंदर में जो ठंडा लग रहा था ओफ मजा आ गया भाई अभी पूरा हाथ पैर सब गर्म हो गया बहुत ही अच्छा फील हो रहा है भाई टनल के अंदर में और ये टनल बहुत लंबा है भाई तो गाइस यार अभी हम लोग हैं उधमपुर में एंड यहाँ पे बहुत खतरनाक बारिश हो रहा है भाई देख सकते हो मतलब बहुत ही खतरनाक एंड अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैगी वगैरह खा रहे हैं एंड अब लोगों को सीन दिखाता हूँ सीन देखो भाई यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बारिश हो रहा है भाई लास्ट आधे एक घंटे से एंड हम लोग अभी यहाँ पे रुके एंड मुझे नहीं लगता कि आज बारिश कम होने वाला है भाई गाइस अगर यहाँ पे बारिश कम नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में ना बाइक चला के मज़ा भी नहीं आएगा एंड रिस्की भी है लैंडस्लाइड वगैरह भी हो सकता है तो देखते हैं भाई क्या हो सकता है यहाँ से भाई श्रीनगर ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है तो आई डोंट नो भाई क्या करेंगे भाई One hour later. मैगी एंड अंडा फ्राई खा रहे ठीक है अभी खाने को क्या मिलेगा मालूम नहीं भाई पहाड़ों में यही बेस्ट है तो खा लेते भाई जो मिल रहा है वही खा लेते हैं भाई से चलो अभी निकलते हैं यहाँ से तो गए गाइस फाइनली बारिश कम हो गया है अभी हम लोग निकल रहे हैं ये देख सकते हो मेरा सॉक्स पूरा गीला हो चुका है गाइस मेरा पैंट एंड जूता दोनों गीला हो चुका है जूता के अंदर में मैंने प्लास्टिक पहन लिया है थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ फिर सी गाइस आगे क्या एडवेंचर देखने को मिलता है चलो पहाड़ों पर अपने दोस्त लोगों के साथ बाइक पर राइड कर रहा हूँ ऊपर से बारिश गिर रहा है भाई खतरनाक एक्सपीरियंस भाई ऑसम क्या बताऊँ आप लोगों को यार देख सकते हो पूरा स्लशी रोड है एंड ओ भाई साहब देखो यार क्या खतरनाक ये रोड भाई बहुत डेंजर है भाई एंड गाइस यार ये रोड देख रहे हो ये पहाड़ भाई बहुत डेंजर लग रहा है मेरे को कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है तो गाइस यार यहाँ पे देख सकते हो पूरा लैंडस्लाइड हो गया क्या हो चुका है
बहुत ही खराब हालत है भाई, कितना बड़ा बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, लद्दाख जा रहे हैं। ओके भाई ओके, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ 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 ओके ओके, तो भाई यहाँ पे मिल गया था, ठीक है ओके भाई बाय। तो गाइस यार यहाँ पे मिल गए कुछ भाई लोग, इतना बारिश पे भी देख सकते हो ये लोग वेट कर रहे थे, अपना इंस्टाग्राम का स्टोरी देख के आ गया। तो देख सकते हो भाई आसाम में जैसे गामूछा से वेलकम करते तो यहाँ पे ऐसे मला देते हैं। अच्छा लगा भाई, नाइस टू मीट यू, अभी घर जाओ भाई, बहुत बारिश गिर रहा है। ठीक है आपके साथ ही चलेंगे अभी कोई 6-7 किलोमीटर। ओके 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 भाई, ठीक है ठीक है। तो ओके गाइस, अभी मैं और जाहिर भाई दोनों अपन दोनों का बाइक एक्सचेंज करके अभी जाने वाले हैं श्रीनगर तक, क्योंकि यार बोर हो रहा है भाई, बहुत बोर हो रहे। ओ भाई बाप रे, चलो इसमें एसी प्रोजेक्ट लगा हुआ है ना, तो क्या साउंड निकल रहा है भाई, बेसी साउंड निकल रहा है एकदम। ये सब स्लशी रोड में ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है मेरे को। क्या नज़ारा है भाई, लुक एट दिस व्यू, ऑसम ऑसम भाई, धुआं हुआ निकल रहा है भाई, ये देख स्टार्ट ही नहीं ले रहा है। सुन ए तू गोंडो को लाते की कैमरा स्टार्ट नहीं ले रहा है जाहिर भाई का कैमरा भी स्टार्ट नहीं ले रहा है, बाइक भी स्टार्ट नहीं ले रहा है क्या गंडोगोल है भाई पत्थर आएगा। हाँ 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 भैया निकल जा रहा हूँ भाई। बारिश होने के बाद क्या खूबसूरत लग रहा है, बादल वगैरह पूरा पहाड़ के ऊपर है। तो गाइस यार जस्ट लुक एट दिस व्यू, वाओ मैन, बीच से नदी जा रहा है, चारों तरफ बादल ही बादल, फॉग ही फॉग, क्या लग रहा है भाई। आवाज सुनोगे भाई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बाप रे बाप, मैं डर ही गया था भाई। गाइस यार दिस इज कश्मीर भाई, अपना टेनाल लेके हम लोग लद्दाख जा रहे भाई, बारिश में भीगते हुए पहाड़ों के बीच में, ओ भाई क्या फील आ रहा है। ठीक है और ये नजारा को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं ना, इसका एक अलग ही वाइब है, इसका एक अलग ही वाइब है भाई। भले ही बारिश हो रहा है बट भाई लद्दाख जाने का जो खुशी है ना वो इसी में है। तो गाइस यार देख सकते हो हम लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं एक बस और एक ट्रक के बीच में। भाई साहब यार पीछे बहुत खतरनाक ट्रैफिक है, देख सकते हो भाई। जो जूता पहना था वो भी भीग गया है एंड पूरा एकदम पानी अंदर में घुसा हुआ है भाई, तो इसी वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। अब लोगों को क्या बताओ, राइड करना इतना भी आसान नहीं है पता है, सुपर स्पोर्ट बाइक लेके वो भी लद्दाख में एंड वो भी ऐसे कंडीशन में, देख रहे हो भाई लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं भाई। ठीक है बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी यहाँ से और 10 किलोमीटर ट्रैफिक है, देख सकते हो पूरा ट्रक का जाम है। One hour later. Can you imagine that? कि पहाड़ों के इतना ऊपर ऐसा 4-lane हाईवे। तो गाइस यार अभी कुछ टाइम हो रहा है 6:30 एंड हम लोग एक लोकेशन में खड़े हैं भाई, इन द मिडिल ऑफ द हाईवे। देखो भाई बस पीछे का बैकग्राउंड व्यू देखो, ठीक है दिल खुश कर देने वाला व्यू है भाई, यहाँ पे देख सकते हो भाई क्या ऑसम प्लेस है भाई। ओ भाई साहब देख रहे हो और कितना चौड़ा हाईवे है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ऐसा हाईवे ना अपने कलकत्ता में भी नहीं है। ठीक है गाइस मैं ठंड में कपड़ा हूँ, बहुत ठंड लग रहा है, बारिश में पूरा भीग चुका हूँ, पैंट से लेके जूता सब भीग गया है भाई। तो यहाँ से श्रीनगर और 70 किलोमीटर है, फटाफट से चलते है भाई। क्या ठंडा लग रहा है भाई, हाथ पूरा भीग गया है। एनीवे गाइस चलते, ओह भाई साहब क्या ठंडा लग रहा था भाई। तो गाइस यार ये हम लोग फिर से एक
टनल के अंदर में घुसने वाले है। वाओ मैन, स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर। ज़्यादा ठंडा लग रहा था, अभी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। यार ये टनल कितना बड़ा है भाई, आप लोगों को क्या बताऊँ, खत्म ही नहीं हो रहा इतना बड़ा टनल। गाइस यार मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा, तो सीधा एकदम 5-6 किलोमीटर दिख रहा है। बाप रे कितना बड़ा टनल है भाई। चलो गाइस अभी चलते हैं, ये रोड एकदम सीधा जा कनेक्ट करेगा श्रीनगर पे, तो आप लोगों से मैं डायरेक्ट श्रीनगर पे जाके ही मिलता हूँ। ओके तो गाइस यार अभी रात के बज रहे हैं 9:30 एंड अभी हम लोग श्रीनगर में आज कैसा राइड हुआ भाई, लाइफ में फर्स्ट टाइम भाई 10 घंटे हम लोग ठीक है पहाड़ में विदाउट ग्लव्स पूरा भीग के आए, ठीक है हाथ देख सकते हो भाई, हाथ देख रहे हो भाई, 10 घंटे बारिश में चलने के बाद देख रहे हो भाई हाथ का हालत, और पैंट भी भिजा है भाई, पैंट भी बिक गया, जूता भी बिक गया भाई, जूता के अंदर में तो भाई ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी अंदर में ही है जूते के अंदर में, तो मतलब एक अलग एक्सपीरियंस हुआ आज, ठीक है। बीच में लैंडस्लाइड भी हुआ था, वहाँ पे रुके थे, बाद में भी हुआ लैंडस्लाइड, जो भी है अभी ठंड में अभी हम लोग कांप रहे भाई, ठीक है इतना ठंड है कांप रहे, और विदाउट ग्लव्स चला के आए भाई, इसी वजह से हाथ का हालत बहुत खराब है। तो गाइस यार गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर डल लेक। गाइस यार कहानी कुछ ऐसा है कि बहुत बारिश हो रहा है यहाँ पे एंड लैंडस्लाइड में मेरा बाकी भैया लोग फंस गए हैं, पीछे जो किया सेल्टोस था वो भी फंस गया है, रमबान के उधर बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ है, ठीक है ट्रक व्रक पूरा एकदम चल गया है भाई भीतर। तो भाई अभी हम लोग वेट करेंगे, आज तो वो लोग नहीं आ पाएगा, कल तो बहुत ही खतरनाक बारिश हुआ था, हम लोग का जैकेट से लेके पैंट से लेके जूता सब भीग गया था भाई, अभी तो भाई यार मतलब क्या बोलूँ, पीछे जो टेल बैग था वो भी भीग गया था टोटली, एंड कैसे तैसे करके तो हम लोग पहुंच गए होटल रूम पे। एंड आज हम लोग रहने वाले ये जो हाउस बोट है डल लेक के सामने, तो ये सब हाउस बोट भी हम लोग रहने वाले हैं। एंड गाइस यार जूता वगैरह भीग गया था तो हम लोग ने जूता खरीदा, एक पबजी वाला लिया है, एंड ये देवासीष भैया का 390 लेके मैं ATP 390 लेके मैं निकला हूँ शॉपिंग करने के लिए। एंड अभी भी गाइस यार सुबह को बहुत बारिश हो रहा है, ठीक है अभी कुछ सुबह के बज रहा है 12। आज हम लोग श्रीनगर डल लेक पे स्टे करेंगे, कल अगर वो लोग आ जाते तो फिर कल हम लोग निकलेंगे। सो गाइस यार कल रात को हम लोग ये वाले होटल पे रुके थे, होटल हमजा। गाइस यार यहाँ पे अपना सारे बाइक पार्क किया हुआ है देख सकते हो। गाइस यार अभी हम लोग जा रहे हैं हाउस बोट के तरफ एंड बहुत खतरनाक बारिश हो रहा है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई कल से। एंड ये देख सकते हो नजारा कुछ ऐसा है भाई सर ये ना मेरा फर्स्ट विजिट है कश्मीर में एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, क्या बताओ तुम लोगों को, ऑसम ऑसम प्लेस है, अगर बारिश नहीं होता तो मेरे ख्याल से और बेटर फील होता, ठीक है इस प्लेस को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते। भुट्टा खा रहे हम लोग एज अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट तो नहीं बोल सकते, 12 बज गया है, एक बज रहा है लंच करने के टाइम पे हम लोग, देर बज रहा है लंच करने के टाइम पे हम लोग भुट्टा खा रहे हैं। सर ये आ गया अपना बोट, हम लोग इंसान डूब जाएंगे तुम्हारा टेंशन नहीं भाई, तुम्हारा मैक डूब जाएगा उसका टेंशन है, हाँ? भाई टेंशन है ना भाई इसमें बहुत सारा फाइल है जो वीडियो आप लोगों के लिए छोड़ना है एडिट करना है, देखो टेंशन भाई, तो है भाई डेडिकेटेड यूट्यूबर देख लो यार, हाँ भाई डेडिकेटेड यूट्यूबर। यहाँ पे बोट्स वगैरह देख सकते हो सब, बहुत ही खूबसूरत है। गाइस यार अभी हाउस बोट के अंदर में घुस रहे तो पहली टाइम है ये, चप्पल निकल के प्लीज। ओके गाइस तो ये रहा अपना रूम, ठीक है आप लोगों को तो दिखाई दिया मैंने, यहाँ पे 2 बेड है, यहाँ पे 1 बेड है, यहाँ पे मैं एडिटिंग करूंगा अभी। एंड ये रहा जाहिर भाई लोगों का रूम देखे भैया, और यहाँ पे जाहिर भाई अली भाई और बाकी भाई लोग सब रहेंगे, टब में कौन रहता है, अभी गर्म पानी होगा पर टब में, बस सुबह को आएगा रात को नहीं आएगा। तो भाई सर अभी कुछ बज रहा है 2:15 एंड बहुत भूख लगा है भाई, सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे, ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किए थे, एंड अभी हम लोग आए हैं ये वाले रेस्टोरेंट पे, लजीज बाहर से भी अच्छा है अंदर से भी अच्छा है, अब खाना टेस्ट करना है बस। फाइनली 25 मिनट वेट करने के बाद खाना आ चुका है, एंड भाई साहब यार क्या ऑसम खाना है कि नहीं भाई, ये बेसिकली कश्मीर का ट्रेडिशनल खाना है भाई, ठीक है तो हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ें लिया है, ठीक है ये है रोगन जूस, ये है गुस्तावा, फिर रिश्ता एंड फिर पता नहीं भाई मटन कोरमा वोरमा बहुत कुछ है भाई, बट खाना भाई ऑसम है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा खाना है भाई, दिल खुश हो गया भाई, 4-5 दिन से खाए नहीं थे एकदम। गाइस यार जस्ट वेदर देखो अभी कितना खूबसूरत होकर रखा है भाई, और ये पहाड़ देखो बस, अभी तक तो भाई पहाड़ दिख नहीं रहा था क्योंकि यार
पूरा फॉग से ढका हुआ था, बट अभी यार कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। तो गाइस यार खाना खा के मजा आ गया, ठीक है। क्या ऑसम खाना था भाई, क्या नाम था भाई रेस्टोरेंट का? लजीज, ठीक है। कभी कश्मीर में आना तो लजीज में आके खाना खाना, ठीक है। आप लोगों को ट्रेडिशनल खाना मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा खाना था भाई। लैम खाए भाई साहब। तो गाइस यार अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं शिकारा में, एंड अभी हम लोग पता नहीं कहाँ पे जाने वाले हैं। कहाँ पे लेके जाएगा, जहाँ पे लेके जाएगा वहीं पे ले जाएंगे बस भाई। पानी के अंदर नहीं जाना है, पानी के अंदर नहीं जाना, पानी को वो भाई ज्यादा ही। तो यार ये देख सकते हो मजा मजा फुल ऑन मजा आ रहा है भाई, ठीक है। गांड फटे तो फटे, नौ भी ना घटे। ऐसा है कि डूबने का भी डर है बट मजा भी लेना है। अबे भाई 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 नोरो ना, नोरो ना, हीरो बड़ा हिलते ना कोची, किंतु हिलते ना कोची, हिलते ना कोची, हिलो ना किंतु। अभी किंतु खिस्ती बिस्ती में तो किंतु बोले इच्छी हमारे, किंतु हेवी बॉय लगे। ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेस पहन रहे हैं। अरे जियाल हबीबी माशाल्लाह। अरे आली बाबा, इधर इधर इधर। लट्टू भाई तुम ग्रेट हो। ज्यादा क्या है, पगड़ी पगड़ी आप है ना, लगाए ना पगड़ी, ये पे इतना पगड़ी है सब। अरे खोल लिया, अब खोल चलो उधर, मेरा टोपी दो, ये जाओ उधर। अरे टोपी दो, चलो उधर पहले टोपी तो दो पहले मेरा। ऐसा ऐसा कर रहा है, उसे अलावा क्या होता है उसमें? जैसे पगड़ी पगड़ी वही लगाया। यार क्या ऑसम व्यू है यार, ऑसम ऑसम। देखो भाई आगे का देखो नजारा। तो गाइस यार कंप्लीट हो चुका है शिकारा राइड, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं होटल में। थोड़ा सा डर भी लगा था बट कहाँ जाना है, ठीक है ठीक है, एग्जाम डर के आगे जीत है। चलो